पूरा टच है, ये भी टच सिस्टम है, ये भी जो एलसीडी है, ये एलसीडी भी टच सिस्टम है, ये भी टच है, इससे आप ये ऑफ कर। ये जी आप देखिए पेमेंट 316 दिए हैं, मतलब कस्टमर आके बैठता है या कोई भी बैठता है तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम सुकून से ये बैठ सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कस्टमर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे बैक साइड पे शेख जैद मॉस्क है। तो मैं सुबह से निकल आया था, सुबह तकरीबन 6:30 बजे तक निकल आया था काम पे, होमची मेरे पास है तो काम कर लिया है 100-150 का, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है पूरा दिन। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ भूख लगी है थोड़ा घर जाऊँ और थोड़ा रेस्ट भी करूँ, तो इंशाल्लाह पूरे दिन साथ साथ चलते हैं और देखते हैं जी कितना काम होता है। काम के बनिस्बत पिछले महीने जो गुजरे हैं उनकी निस्बत ये महीना अच्छा होगा या नहीं होगा, तो ये भी इंशाल्लाह देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा। अभी जो काम है थोड़ा अच्छा हो चुका है, कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा चल रहा है। गाड़ी की तादाद तो है बहुत, वो तो खैर ज़्यादा है, लेकिन हम देखेंगे कि इन फ्यूचर पता नहीं क्या होता है। ये भी हो सकता है कि लोग ये काम छोड़ के भाग जाए, और ये भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा लोग आ जाए, तो ये फ्यूचर तो सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन इसमें मैं फुल डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊँगा। वैसे काफ़ी दोस्त जो हैं पूछ रहे थे यार होमची अंदर से आपने सही तरह से नहीं दिखाई थी, फिर से दिखाना हमें, तो ये आप देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्टार्ट करता हूँ इसको, ये आप देखें, ये पूरा टच है, ये भी टच सिस्टम है, ये भी जो एलसीडी है, ये एलसीडी भी टच सिस्टम है, ये भी टच है, इससे आप ये ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ से एसी ऑन होता है। और ये इसका डैशबोर्ड है, पूरा ख़ूबसूरत है, अभी तक तो कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है, तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ये आप देखिए कितनी स्पेस है, मतलब कस्टमर आके बैठता है या कोई भी बैठता है तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम सुकून से ये बैठ सकते हैं, बिल्कुल कम्फर्टेबल है। और ये जी शेख जैद मॉस्क, कितनी खूबसूरत शेख जैद मॉस्क, वाह अमेजिंग। मैं कभी कभी यहाँ पे जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, जो आप कोशिश किया करें सुबह नमाज के टाइम निकल आया करें, तो अगर आप सुबह निकलते हैं तो 150-200 इस टाइम पे बन जाता है तकरीबन, तो सुबह सुबह जितनी कोशिश किया करें सुबह जल्दी निकल आया करें। तो वैसे भी जो रिस्क जो तकसीम होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुबह के टाइम बरकतें नाजिल होती हैं, तो सुबह आप निकल आया करें ताकि आपकी रोज़ी में भी बरकत आ जाए, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाल देता है। ये जी मेन डोर है शेख जैद मॉस्क का, यहाँ से ही सब लोग इंटर होते हैं, बाकी भी डोर हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते। वेलकम बैक, ब्रेक के बाद आ गए हम फिर से काम पे। अब टाइम हो चुका है तकरीबन 1:20 है, तो अब काम पे निकलने लगे हूँ, पिकअप है प्राइवेट वो जाके करता हूँ, फिर साथ साथ चलते हैं एना बगा। तो मिस्टर यूनस साहब को भी ऑलरेडी दुबई के दुबई जा रहे हैं, उसकी बुकिंग आई हुई है, होमची लेके जाएगा, मैं लेक्सेस लेके जाऊँगा। तो आज काम बस नॉर्मल ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आज मंडे है, बाकी 400 तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ये जी लेक्सेस और पीछे से होमची भी खड़ी है। तो जी मैंने एक प्राइवेट किया, तो फिर उसके बाद एक छोटा सा लगा, अब ये बुकिंग तो आई हुई है ऊबर पे, देखते हैं किधर जाता है। उसके बाद पहले काम जो है अभी मुझे तो लगता है कुछ स्लो है, इतना नहीं लग रहा,
लेकिन अभी टाइम पड़ा है, देखते हैं क्या बनता है। मैंने पहले भी बोला था कि मंडे को जो है काम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आज वही हाल है, काम नहीं लग रहा, लेकिन इतना है भी नहीं जैसे पहले होता था, वैसे है ही नहीं। दुबई की बुकिंग आई हुई है, 1 घंटा 45 मिनट्स लगना है क्योंकि दुबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त मैं दुबई में आ चुका हूँ, दुबई में कस्टमर ड्रॉप कर दिया है और पेमेंट देखते हैं जी कितनी दी है इन्होंने। ये जी आप देखिए पेमेंट 316 दिए हैं, जिसमें 125 किलोमीटर था और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगे, बल्कि सॉरी 135 किलोमीटर था और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगे क्योंकि ट्रैफिक थी। तो तकरीबन टोटल काम जो हुआ है 500 का हुआ है। किस्मत जो थी वो किस्मत में जो था वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था काम थोड़ा नहीं स्लो है, लेकिन फिर भी लग गया, अल्लाह का शुक्र है। और दुबई की ट्रैफिक जो है ना वो मुझे बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और दुबई में आप अपना कारोबार भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट तो होता है, लेकिन आप छोटा भी कारोबार कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करना है तो फिर आप 3-4 लोग का इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तानियों की ये बहुत बड़ा मसला है कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आके आप अपना कारोबार करें बेहतर है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं थोड़े अच्छे नहीं हैं, इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे वन डे। तो भाई मैं पहुंच आया हूँ इस वक्त घर रूम पे। टाइम कोई 9-10 बजे का है यार, तो नींद भी आई है, खाना शाना, तो फिर उसके बाद सोते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि ये वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी और इंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।